होममेड डिशेस। आज हम पोटैटो चीज रोल्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 आलू मीडियम साइज के। इसे थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। इसको हम अच्छे से थोड़ा मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसमें थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी, ब्लैक पेपर, थोड़े से मिक्स हर्ब्स, 1/2 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। देखिए हमारा डो इस तरह का होना चाहिए, बहुत मुलायम नहीं रखना है, बस इस तरह का हो जाए उतना हमें इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है। इस साइज के चीज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी और थोड़ा सा ये मिक्सचर लेकर इसे हथेली में दबाते हुए जितना हमारा चीज रोल के लिए मैंने चीज को कट किया है उतना लंबा ये बनाकर चीज को अंदर रख लूंगी और ऊपर से इसे कवर कर दूंगी। देखिए इस साइड से भी मैंने कवर कर लिया है अच्छे से। ये हमारा चीज़ रोल बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही सारे चीज़ रोल हमें बना लेना है, चीज़ हमारा यहाँ से नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से उसे कवर कर लेना है। ऐसे ही सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए। ये टोटल 8 बने हैं, 3 पोटैटोस लिया था मैंने तो 8 रोल्स बने हैं। तो चलिए अब हम इन्हें कोट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लूंगी और अच्छे से एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लूंगी। देखिए इस तरह का घोल बनाकर हमें तैयार कर लेना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और थोड़ा सा 2 पिंच नमक डाल लूंगी। अच्छे से घोल बन गया है। मैं एक एक कर इस मैदे के घोल में अच्छे से डिप कर लूंगी और ब्रेड क्रम्स में डाल लेंगे अच्छे से। इसमें भी अच्छे से कोट कर लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से वो कोट हो जाएगा। देखिए अच्छे से कोट हो चुका है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे चीज रोल्स को अच्छे से कोट कर लेंगे। मैदे में फर्स्ट हमें कोट करना है, फिर उसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अच्छे से सारे ब्रेड रोल्स को हम चीज रोल्स को ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करना है वरना अंदर का चीज वो फटकर बाहर आ जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। ऐसे ही हम सेकंड बैच भी तल लेंगे। हमें स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखना है, गोल्डन हो जाए वो तो हमें फ्लेम को थोड़ा सा लो कर सिर्फ 2 मिनट ही इन्हें पकाना है, बस निकाल लेना है वरना चीज बाहर आ जाएगा। देखिए और थोड़ा ये हो जाए बस मैं इन्हें भी निकाल लूंगी। देखिए हमारे सारे पोटैटो चीज रोल बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।